हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, ना आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, ना आज के मुसलमानों ने बनाया। इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानव्यापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है? भागवत ने कहा, ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, वो इतिहास हमने नहीं बनाया है, ना आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया है, ना आज के मुसलमानों ने बनाया है। और समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथों आया। उस आक्रमण ने भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है ये मामले उठे हैं। मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू नहीं सोचता है, आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। हमने 9 नवंबर को कह दिया था कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमें आंदोलन नहीं करना है। लेकिन मन के मुद्दे उठे हैं, ये किसी के विरुद्ध नहीं है। मुसलमानों को विरुद्ध नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं को भी नहीं मानना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा कुछ है तो आपस में मिल बैठ कर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता तो कोर्ट फैसला देता है, उसको मानना चाहिए। उन्होंने कहा, रोज एक मामला निकलना ठीक नहीं है। ज्ञानव्यापी के बारे में श्रद्धाएं हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर आई है, लेकिन जिन्होंने उसे अपनाई है वो मुसलमान बाहर से संबंध नहीं रखते। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं है, सबके प्रति पवित्रता का भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।